ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? हेलो सर जी, ठीक है आप बताइए कैसे कैसे क्या क्या करेंगे इसमें पीपीएम? आपकी फ्री हुई है, वारंटी रहेगी इसमें, सेरेमनी कोटिंग 9 इंच करवा रहे हो? कोटिंग 9 इंच कोटिंग, ठीक है तो आपको 31,000 प्लस जीएसटी है, ठीक है मैं आपको डिस्काउंट करके लास्ट हो रहा है 29,000 तीन साल का, थ्री ईयर का, हर छः छः महीने पे, छः महीने में आपका आगे मेंटेनेंस करवाओगे, उसके ऊपर टॉप कोट लगा, जो भी नॉर्मली स्क्रैच सोल मार्क्स वगैरह आएंगे वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, आपकी तीन साल तक बिल्कुल सेम है, शाइनिंग बना के रखेंगे आपकी पूरी गाड़ी की, ठीक है। नॉर्मली स्क्रैच वगैरह वो तो मैंने आपको बताई दिया, इजीली रिमूव हो जाते हैं, इसमें हम आपको एलॉयज टायर प्लास्टिक ग्लास एंड फुल पेंटेड एरिया, मतलब भैया ये कहना चाह रहे हैं कि ये हर चीज़ सेरेमनी कोटिंग करेंगे इसका, और कम से कम मिनिमम 1 से 1.5 साल तक इसकी साइनिंग बिल्कुल नए की तरह, 3 ईयर तक बिल्कुल नए की तरह साइनिंग रहेगी, साइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया जी शॉप, ठीक है, और कितने आउटलेट है भैया आपके? 14 आउटलेट है, मेन ब्रांच दिल्ली में है, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, मोहाली, चंडीगढ़ और जम्मू। ओके तो मतलब कहीं से भी लोग करवा सकते हैं, जहाँ पे भी है, डिटेलिंग स्ट्रीट नाम है, ठीक है, अभी हम तो नोएडा वाले आउटलेट में हैं, तो अब आगे मैं दिखाता हूँ जैसे भैया करते हैं, ठीक है। ये गाड़ी की वॉशिंग स्टार्ट हो चुकी है और इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से गाड़ी को फॉर्म वॉश किया, और मैं ये कह रहा था कि हाँ मैंने कोटिंग सेरेमनी कोटिंग क्यों चूज़ किया, पीपीएफ क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि देखो पैसे की बात तो है ही नहीं, मेन मुद्दा ये है, पैसे की भी बात है कह सकते हो, क्योंकि पीपीएफ बहुत कॉस्टली है और सेरेमनी कोटिंग कम है, और लेकिन जब क्या होता है कि आपका जब आप पीपीएफ लगा लेते हो तो 3 साल के बाद आपको उसको निकालना होता है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक होती है ना वो ख़राब हो जाती है, उस पर स्क्रैचेस वगैरह तो विजिबिलिटी थोड़ा सा कम दिखती है, चमक वमक कम हो जाती है, लेकिन जब आप उसको निकालते हो तो आपकी गाड़ी पूरी चमक जाती है फिर से, तो आपके दिमाग में यही आता होगा कि जब भी मैं उसको निकालूंगा और मेरी गाड़ी बिल्कुल चमकती हुई मिलेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे आप उसको निकालोगे तो वो आपके कलर के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि कलर की चमक तो थोड़ी सी निकालेगी, अगर ख़राब आपका पीपीएफ है तो आपका वो भी निकाल देगा, क्या कहते हैं आपका पेंट, और आपका पेंट अगर वो साथ में निकाल दिया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उसके बाद आपको गाड़ी को दोबारा कलर भी करवाना पड़ेगा, तो यही मैं भैया से बात भी कर रहा था, तो भैया कह रहे थे हाँ अब वो लोग करते हैं जिनके यहाँ बहुत कंजस्टेड एरिया है, आए दिन कोई ना कोई मार के चला जाता है, तो वैसे केस में आप पीपीएफ करवा लो, उस केस में क्या होता है कि आप पीपीएफ करवा लोगे तो आपका कोई पीछे से मार के भी चला गया तो आप वो सही कर लोगे, और लेकिन मेरा कोई एरिया ऐसा नहीं था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो, कोई ना कोई मार के आए दिन चला जाए, ऊपर से बड़ी गाड़ी है तो इतना डर भी नहीं है, तो एक रीज़न ये भी था कि मेरे को मेन डर ये था कि मेरे सोसाइटी में जो रोज़ कपड़ा मारने आता है, ठीक है, और बच्चे वगैरह खेलते हैं तो कहीं उनके नाखून वगैरह या फिर वो जो कपड़ा मारता है उससे मेरी गाड़ी में जो है वो स्क्रैचेस ना आए, और जो साइनिंग है वो साइनिंग कभी ख़त्म ना हो, बस ये चीज़ अगर आपको करानी है तो कोटिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है, आप कितने भी रिसर्च कर लो, जो सेरेमनी कोटिंग होती है वो बहुत ही बेस्ट होती है मेरे अकॉर्डिंग। कोटिंग में इसका कॉस्ट है 3 ईयर का कॉस्ट है इसका आपका 31,000 प्लस की 31,000 ये SUV स्कॉर्पियो के लिए है, ये और ये SUV के लिए है, जैसे स्कॉर्पियो और इनोवा फॉर्च्यूनर और हैचबैक क्लास है, और हैचबैक ये जो टाटा पंच पास नहीं है, हैचबैक की आपका 1 ईयर का पैकेज 11 प्लस जीएसटी और 3 ईयर का पैकेज है आपका 16 प्लस जीएसटी। जैसे ना भैया ये पूछ रहे थे कि मान लो हम गाड़ी अपनी सर्विस करवाने जा रहे हैं, ठीक है, और सर्विस सेंटर वालों ने हमारी गाड़ी का पॉलिश वगैरह अपना कर दिया है जो भी है, उससे हमारी गाड़ी में क्या कोई दिक्कत आएगी? उससे आपकी गाड़ी कोई दिक्कत, हमारी इस सेरेमनी कोटिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे हम कोई शैम्पू वगैरह से कोई, और चाहे हमारे गली में जो साफ करने वाला आते हैं, गाड़ी साफ करने वाले थे,
गाड़ी साफ करने वाला आता है पहले गाड़ी पहले तो वो गीले कपड़े थे या फिर पानी थे जो भी डस्ट वगैरह है वो उतार लेनी चाहिए उसके बाद में ये आप कहते हो रिकमेंडेशन रिकमेंड करते हो कि ऐसे करना चाहिए इससे क्या है कि गाड़ी पे स्क्रैच वगैरह नहीं पर पता होता क्या है ना कि हम कितना भी बोल रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो डेली कपड़ा वो करे आप समझ रहे हो ना वो उसको एक एक दिन का टारगेट है अब मेरी सोसाइटी में 550 लोग रहते हैं ठीक है पार्क प्लस ने वहां पे साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कम से कम नहीं कुछ तो 200 प्लस गाड़ियां खड़ी हैं और कम से कम 150 कॉन्ट्रैक्ट है उसको पास की 150 गाड़ियां साफ करनी है सुबह के टाइम पे अब वो हर गाड़ी का पानी तो मारेगा नहीं जल्दी जल्दी कपड़ा मारेगा हाँ तो इससे तो हमारा जो कोटिंग कर रहे हैं इससे तो वो लेयर तो बचा सकता है वो पेंट को बचा सकता है बट वो जो भी स्क्रैच वगैरह आए ना कोटिंग के ऊपर ही आएंगे जब भी आप मेंटेनेंस के लिए आओ 6 महीने बाद इजीली रिमूव हो जाएंगे तो पेंट में कोई हार्म नहीं पहुंचेगा मतलब आप ये कह रहे हो कि चाहे किसी भी कपड़ा से वो साफ करे चाहे कैसे भी साफ करे आपकी गाड़ी गंदी अगर दिख रही है तो 6 महीने बाद जब आओगे तो आपको वो साइनिंग फिर से दोबारा वैसे ही मिल जाएगा जो कि 3 साल के पैकेज में 6-6 महीने पे आपका है ना बिल्कुल आपकी 3 साल तक न्यू है साइनिंग ठीक है एक चीज सपोज हमने आपने बताया 6 महीने में हमने काम करा सपोज हमारे माइंड स्लिप हो गया भैया कि हम 6 महीने और पता चल तो उस केस में क्या होगा उसके लिए आपको 6 महीने हमारी तरफ से या फिर रिमाइंडर आ जाएगा आपको कैसे कॉल आएगा और इनका एक चीज और है कि इनका सिर्फ यहाँ पे नहीं बहुत सारे आउटलेट हैं कहीं पे भी करवा सकते हो तो बाहर भी हो तो भी करवा सकते हो और इनकी खुद फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मतलब आपकी ऐप भी आती है ना ऐप में भी सारी डिटेल आती है कितनी वारंटी है क्या है कैसे वो ऐप में भी है सारी डिटेल्स ये सॉफ्ट कपड़ा होता है इससे गाड़ी के पेंट पे कोई असर पड़ेगा ये साइनिंग पेड़ है अच्छा हाँ इसको साइनिंग आ जाएगी ओके ये साइनिंग के लिए कर रहे हैं हम जी
पहले इन लोगों ने सॉफ्ट पॉलिश किया हुआ है। सॉफ्ट पॉलिश करने के बाद ये लोग प्राइमर लगाएंगे, और प्राइमर लगाने के बाद ये लोग पेंट जो है हमारा कोटिंग वाली जो पेंट वो पॉलिश है वो कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले ये अभी पॉलिश लगा के इसको क्लीन कर रहे हैं, ये सारा पॉलिश लगा हुआ है। अब इसके बाद इनका काम होगा अपना, ये देखो ऊपर भैया अभी पॉलिश लगा रहे हैं मशीन से, ठीक है। अब इसके बाद ये लोग प्राइमर लगाएंगे और उसके बाद फिर से ये कोटिंग करेंगे। एक चीज़ और ये लोग कर रहे थे कि जैसे मान लो तो आपकी गाड़ी 6 महीना पुरानी हो, 4 महीना पुरानी हो, 1 साल पुरानी हो, तो धुल जब ये धुलाई होती है तो उस टाइम पे ना जैसे आप लोग गाड़ी की ना मशीन लगा के क्लीनिंग करते हैं, वो मशीन से पूरी रबिंग टाइप की एक तरह से होता है, तो वो पेंट में जो छोटे छोटे स्क्रैचेस वगैरह होते हैं ना वो भी हटा देता है वो। तो वो चीज़ मैंने नहीं करवाया, मैंने कहा कि नहीं मेरी गाड़ी तो अभी 1-2 दिन पुरानी थी, तो मैंने कहा वो चीज़ मत करो, ठीक है, आप सीधे फोम वॉश से धुलो, जैसे कि उन लोगों ने फोम वॉश से वो धुलाई की, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे वो अपना पॉलिश और रबिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद हो करेंगे ये लोग कोटिंग। कोटिंग की भी इनकी मैंने बॉटल देखा, काफ़ी बहुत अच्छा कोटिंग है इनकी, 9H वाली कोटिंग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ आ गया। अब क्या कर रहे हो भैया इस पे, इसके ऊपर क्या कर रहे हो? प्राइमर प्राइमर। अच्छा अभी प्राइमर मार रहे हो, अब इसके बाद डैश कोटिंग होगी, इसके बाद कोटिंग वाले नंबर आ गए। प्लास्टिक कोटिंग अभी होगा, प्लास्टिक एरिया पे। ये बोतल है, ये प्लास्टिक पार्ट्स के लिए है ये कोटिंग, इसी तरह से शीशे के लिए अलग है और लेदर के लिए अलग कोटिंग है। और जो आपका गाड़ी का ये जो मेन कलर है जहाँ पे ये जो आपका फ्रेम वगैरह लोहे वोहे का जो पार्ट्स है पेंट है जो, वहाँ के लिए अलग है। तो कुल मिला के 4 बोतल अलग अलग टाइप के हैं जो इस पे लगते हैं, जैसे एक प्लास्टिक का हो गया, एक पेंट का हो गया, एक शीशे का हो गया और एक लेदर का हो गया। तो इस तरह से आपके हर जगह पे जो ज़रूरत है उसको ये लोग लगा के करते हैं। अब देखो ये प्राइमर मार के अब ये चिपका रहे हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं प्राइमर डाल के। अब इसके बाद कोटिंग डालेंगे, और कोटिंग करने के बाद फिर से ये क्लीन करेंगे। अभी दिखाता हूँ आपको आगे। अभी देखो ये भैया डैश ये प्लास्टिक पार्ट पे ये कोटिंग कर रहे हैं। अब ये कोटिंग कर रहे हैं एक तरफ से, यहाँ पे क्या होता है डैश वाले पार्ट पे ये डायरेक्ट कोटिंग करते हैं, इसके ऊपर कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब ये पेंट पे लगाते हैं ना ये लोग, तो उसको कपड़े से चमकाते हैं, वरना वो धब्बा धब्बा रह जाएगा। अगर वो 5 मिनट के अंदर साफ, 5 मिनट तो बहुत बोल दिया, 2 मिनट के अंदर अगर वो साफ़ ना करें मतलब क्लीन ना करें, तो जो कोटिंग इस पे लगी होती है पेंट पे वो चिपक जाएगी और फिर वो कभी नहीं जाएगी चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इसलिए भैया इसको ध्यान से देख देख के, अब देखो प्लास्टिक पार्ट हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब कोटिंग करेंगे पेंट पे, वहां पे बहुत ध्यान से कोटिंग करवाना पड़ता है। काफी अच्छे तरीके से ये इन्होंने किया है, और ये भी साथ में लग गए थे उन लोगों के साथ काम करने के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी गाड़ी ले जाना था। वैसे तो इनका 24 घंटे का प्रोसेस है, अगर एक गाड़ी को कोटिंग करना है कम से कम आपको गाड़ी छोड़ना पड़ता है। बट मैंने कहा था कि नहीं मुझे एक्चुअली मुझे कहीं जाना भी था, तो मैं इनके पास आया था लगभग 2 बजे के आसपास, और रात को 7 बजे इन्होंने छोड़ दिया था। मैंने इनको बोला था कि मुझे 7 बजे गाड़ी चाहिए, उस हिसाब से आप करो। इन्होंने कहा था ठीक है, इनके पास एक हीटर भी है उससे ये सिखाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वो कोई लाइट सी है, बहुत अच्छी मशीन है, उससे उन्होंने सुखा के दे दिया। अगर आपके पास टाइम है तो वो ये मशीन को यूज़ नहीं करते हैं, और ये सारी कोटिंग करने के बाद ये छोड़ देते हैं 10 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, और फिर वो ऑटोमेटिक सूख जाता है, अच्छे से कलर को पकड़ लेता है, ठीक है। नहीं तो फिर आप उसको ले जा सकते हैं अपने घर पे भी, ऐसे छोड़ सकते हैं। हाँ लेकिन आपको ना कपड़ा नहीं मारना, ना कपड़ा मारना, ना पानी मारना, ना कुछ नहीं मारना आपको। कम से कम इनका तो 1 हफ्ते का होता है कि 1 हफ्ते तक आपको कुछ नहीं करना है, 1 हफ्ते तक एज इट इज छोड़ो। जब सारी कोटिंग इस पर चिपक जाती है, सब कुछ सही हो जाती है, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। अभी मैंने भी ऐसे ही इनकी बात माना, और मैंने भी ये गाड़ी मैं भी आगे कुछ भी नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं कम से कम 4-5 दिन तक तो नहीं करूंगा, ठीक है। 5वें दिन इनके पास ले जाके मैं वॉश करवा के, और फिर उसके बाद कपड़ा मारना स्टार्ट करवाऊंगा।
देखो प्लास्टिक, ये हर एक प्लास्टिक पार्ट को कवर करते हैं, जितने भी आपके गाड़ी में प्लास्टिक पार्ट है उन सब पे। इससे क्या होगा, प्लास्टिक पे वो जो कुछ दिनों के बाद बहुत धब्बे धब्बे से दिखने लगते हैं, बुरे बुरे से, वो चीज़ नहीं होगा इससे। प्लास्टिक का तो हो चुका था, अब टाइम है लेदर का करने का, लेदर की कोटिंग के लिए। अब ये जो बोतल है ये लेदर की कोटिंग करता है, तो ये जितने भी मेरे लेदर पार्ट्स हैं उन सब पे ये कर रहे हैं। हालांकि इनको ये पता नहीं है ऊपर प्लास्टिक ही है, ये सॉफ्ट टच नहीं होता है, सॉफ्ट टच सिर्फ ये है जो अभी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, चल जाता है, ठीक है। तो इस पे कर रहे हैं, आप लोग जाओ तो वैसे आप लोग सीट की बता उतनी देना। रिक्वायरमेंट नहीं है लेदर कोटिंग में, सीट तो वैसे ही 6 साल के बाद इंसान चेंज करा ही देता है, सीट कवर वगैरह। मैंने सीट कवर पे नहीं करवाया था, क्योंकि सीट कवर पे करवाना ही नहीं था। वैसे तो उसके चार्जेस अलग होते हैं सीट कवर के, 5-6 हज़ार रुपये बोल लेते हैं, अलग से लेंगे। मैंने करवाया ही नहीं यार सीट पे, वो लेदर, ये जो लेदर वाला कर रहे हैं ना वो सीट पे भी करते हैं, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ा। क्योंकि ये देखो अभी पन्नी में उतारने वाला नहीं हूँ, 6-7 महीने तक कम से कम तो मैं नहीं उतारने वाला हूँ, ठीक है। पन्नी एज इट इज ऐसे के ऐसे ही रहेगी अभी, तो लेदर पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि सीट कवर मेरे को ज़्यादा सही, मतलब वो नहीं लगा कि वो नहीं लगा कि मुझे करवाना चाहिए उस पर, तो मैंने उसको छोड़ दिया। नहीं ये बाहर से हो गई, वही बहुत ज़्यादा यहाँ देखना, अंदर कपड़ा मारना पड़ेगा, ये लग गया हाथ। अंदर से तो हम लोग प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं, जो मेन होता है वो बाहर से ही प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। जब आप लोग पीपीएफ करते हो तो पूरी रात रात करते हो काम? नहीं, अगर रात में भी रुकना पड़ता है तो रात में भी रुक जाते हैं। जैसे जैसे अगर क्लाइंट को जल्दी चाहिए, क्लाइंट को अगर सुबह मॉर्निंग में जल्दी चाहिए तो हमें रात में काम करना पड़ता है। रात में ही रुक के काम कर लेते हो आप लोग? सुबह 4-5 बजे तक गाड़ी फाइनल कर देते हैं। काफी साइनिंग आ गई है। एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि शोरूम से गाड़ी आप जब निकालते हो ना, वहां पे जो लोग क्लीनिंग करते हैं डिलीवरी के टाइम पे, वो इतना ज्यादा डिटेल साफ नहीं करते हैं और इतनी साइनिंग भी नहीं आती है उस टाइम पे डिलीवरी लेते थे जितना अभी साइनिंग आ रही है। क्या हुआ था एक्चुअली कि डिलीवरी जब मैं ले रहा था अपनी गाड़ी की, तो हर चीज़ तो परफेक्ट था, मैंने वीडियो बनाया था, वो लोग काफ़ी डाउन टू अर्थ थे, सब कुछ सही था। बट जो गाड़ी की क्लीनिंग होती है ना, कि एकदम चमकती हुई गाड़ी आपको मिले, वो क्लीनिंग वो ठीक से नहीं किया था। जैसे कि सनरूफ, जब मैंने डिलीवरी ले लिया था, निकल रहा था, जैसे मैंने सनरूफ खोला तो सनरूफ के जैसे सनरूफ खोला तो उसके आगे इतनी मोटी मिट्टी की पूरी परत जमी हुई थी, तो वो सनरूफ पे मिट्टी लगी हुई थी, प्लस छत पे जो इसका रूफ है वहाँ पे भी कई जगहों पे मिट्टी थी, बहुत मोटी मोटी मिट्टी थी। तो कहने का मतलब यही है कि उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्लीनिंग में उस टाइम पे। तो अभी उसके बाद मैं गाड़ी घर पे लाया और मेरी कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई थी, तो यहाँ पे मैं लेके आया सीधे और यहाँ पे मेरी पहली वॉश हुई, और उसके बाद एक एक चीज़ ये लोग क्लीन कर रहे हैं, डीप क्लीन करके, और सब पे जो हमारा प्रोटेक्शन है, कोटिंग है, वो कोटिंग इस पे चढ़ा रहे हैं, चाहे वो लेदर हो, प्लास्टिक हो, शीशा हो, हर चीज़, सनरूफ से लेके आपके टायरों तक कोटिंग हो रही है, टायरों पे भी अलग कोटिंग है, वो भी कोटिंग ये कर रहे हैं। अब ये शीशे की कोटिंग, कोटिंग मेरी स्टार्ट हो गई है यहाँ से,
देखो कैसे कोटिंग कर रहे हैं, अगर इन्होंने तुरंत कपड़ा नहीं मारा तो ये ऐसे ही चिपक जाएगी और छूटने से ना रहा, इसीलिए एक तरफ ये कोटिंग करते हैं और तुरंत उसके बाद कपड़ा मार देते हैं, कपड़ा मार के फिर वो सही हो जाता है। अब शीशे की कोटिंग से ये फायदा है कि बारिश की कोई भी बूंद इस पर टिकेगी नहीं, सीधे निकल जाएगा। जो हमें इकट्ठा हो जाता है वो चीज़ नहीं होगी, हाँ बूंद बन के डॉटेड बन के अपना आप नीचे आ जाएगा। बारिशों में आपको गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि तो बारिश के टाइम पे जो शीशे पे बूंद बूंद ड्रॉप करके वो इकट्ठा होते हैं, तो फिर थोड़ा सा दिखने में दिखता ही नहीं है बाहर का, थोड़ा कम विजिबिलिटी रहती है। मैं साइड मिरर की बात साइड विंडो की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो आपको सही लगेगा, पानी की ना ड्रॉप आएगी और वो सीधे स्लिप होकर नीचे चला जाएगा। इन्होंने मुझे डेमो में भी दिखाया था तो काफ़ी अच्छा था। अब ये देखो, अब ये पूरा सूखेगा इससे। यहाँ पे ये हीटर लग गया हुआ है, हीटर या लाइट बोल सकते हो इनकी कोई ऐसी लाइट थी, ठीक है, जिससे ये पूरी गाड़ी की जितनी भी कोटिंग हुई है वो सारी कोटिंग सूख जाएगी। अगर आप इसको एक दिन में डिलीवरी नहीं लेते हो, मतलब कि आप पूरी रात के लिए छोड़ देते हो, तो ये हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरे को तुरंत ले जाना था इसीलिए ये हीटर से पूरी गाड़ी को अच्छे से सुखा के भेजते हैं। लेकिन आप कपड़ा नहीं मार सकते हो, 3-4 दिन तक 5 दिन तक मिनिमम आपको, और ना धुल सकते हो इस गाड़ी को। मतलब अगर किसी को जल्दी है तो भैया 4 से 5 घंटे में फ्री कर दोगे, फिर गाड़ी कहीं भी ले जाओ, बस पानी से और कपड़े से बचाओ। धूल वगैरह से भैया कोई दिक्कत? कितनी भी धूल आ जाए बस कपड़ा नहीं मारना आपको। मैं आपको क्या बताऊं, गाड़ी कितनी चमक रही है आप देख सकते हैं, वैसे तो देख ही सकते हैं, और गाड़ी सच में पूरी शाइन कर रही है, अच्छी हो गई। भैया ने सनरूफ वगैरह बहुत बढ़िया से क्लीन कर दिया, शीशे वगैरह तो ऐसे चमक रहे हैं मतलब क्या ही देख सकते हो। नो डाउट क्लीनिंग तो बहुत सही तरीके से हुई है। इवन टायरों पे भी हुआ, जो मैं आपको बोल रहा था टायरों पे, वो टायरों पे भी इन्होंने करके दिया है। क्या ही साइन कर रही है गाड़ी अभी। और ये साइन 3 साल तक ऐसी ही रहेगी, हर 6 महीने पे करवाना है, 6-6 महीने पे आपको विजिट करना है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ भैया हर 6 महीने पे ऐसे ही होगा, सेम ऐसे ही होगा, 3 साल तक गाड़ी ऐसे ही चमकते रहेगी। गाड़ी हो गई है, अब मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, बस 5 मिनट में मेरी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी और मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।